माया नगरी मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। ऐसा शहर जहां सितारों का मजमा जुटता है, जहां दुनिया का दूसरा सबसे महंगा और आलीशान घर है तो सबसे बड़ा स्लम भी है। वो शहर जहां लोकल ट्रेनों का जाल भी है और बेस्ट बसों की रफ्तार भी है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में सफर करना अब दुनिया में सबसे सस्ता हो चुका है। मुंबई में यात्रा करना काफी किफायती माना जाता है। लोकल ट्रेन और बेस्ट बसेस, इन दोनों में लोग किफायती तौर पर यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में अब एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में मुंबई जो सिटी है उसको सबसे ज्यादा किफायती शहर माना गया है ट्रैवलिंग के, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके हिसाब से। मुंबई में रोजाना लाखों की संख्या में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी लाइफलाइन से कम नहीं है और एक स्टडी के मुताबिक मुंबई की ये लाइफलाइन सबसे किफायती है। स्टडी में ये बात सामने आई है कि मुंबई में दुनिया का सबसे किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वैश्विक टिकटिंग डिस्काउंट फर्म पिकोडी ने इस रिसर्च को अंजाम दिया है, जिसमें दुनिया के 45 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर रिसर्च की गई है। इस अध्ययन में सिंगल टिकट की कीमतों के साथ मासिक पास पर भी ध्यान दिया गया है। मासिक पास के मामले में मुंबई बाकी शहरों से थोड़ा महंगा है, जबकि इस लिस्ट में नागपुर सबसे सस्ता शहर माना गया है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इज वेरी इजी एंड सस्ता भी है एंड काफी क्विक भी है। यस, कम्यूट फ्रेंडली है, सब जगह कनेक्टेड है, सो इट्स वेरी गुड। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, और मुंबई से आते हैं, चेन्नई से लोग हैं, बैंगलोर से लोग, इतने सारे टूरिस्ट भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं। एवरी डे आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरी डे बस से कम्यूट होता है मेरा एंड इट इज वेरी एक्सेसिबल, वेरी इजी एंड देयर आर वेरियस ऐप एज वेल। अगर ट्रेन से भी ट्रैवल कर रही हूँ तो एम इंडिकेटर, चलो ऐप, ये सब है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट टू गो अराउंड द सिटी। हालांकि दुनिया में कई ऐसे शहर भी हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री है। इनमें लग्जमबर्ग, तेलिन और माल्टा की राजधानी वालेटा जैसे शहर शामिल हैं। लेकिन वो शहर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है, वहां माया नगरी मुंबई सबसे किफायती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।